हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक रियूज, जिसमें हम वेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही यूनिक क्रिएशन करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम डिफरेंट वेज में साड़ी ड्रेपिंग करेंगे, वो भी अपनी नॉर्मल साड़ी। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी नेट की साड़ी का यूज़ किया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट नेट है। और आपको अगर इस टाइप की साड़ी वेयरअप करनी है तो आप मेंशन कीजिए जॉर्जेट नेट या सीफोन लें, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी साड़ी नहीं चाहिए होती है। लाइक हम कुछ गाउन की तरीके से ड्रेपिंग करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लाइट वेट ही साड़ी चाहिए होती है। और जो मेरी नेट है वो काफ़ी पतली नेट नहीं है, थोड़ी थिक वाली नेट है। यस, तो देखिए सबसे पहले हम टकिंग करेंगे। टकिंग हम सीधे दो प्लेट्स के साथ मैंने टकिंग की है, जैसा कि आपने देखा होगा। और पूरे तरीके से अराउंड हमें अच्छे से टक कर लेना है। और उसके बाद हम नॉर्मल प्लेट्स जैसे लगाते हैं वैसे नहीं लगाना हमें। सबसे पहले हम 3 प्लेट्स लेंगे और हम इसे कॉर्नर्स लगाएंगे, जो वेस्ट एरिया होता है ना। सेंटर में ना लगा के हम थोड़ी साइड से लगाएंगे। और फिर हम वही प्लेट्स उठाकर दूसरी साइड से भी लेंगे। और मैंने 3 या 4 प्लेट्स ली हैं, जो कि मैंने दोनों साइड से, और अब इनको भी हम लगा देंगे इस तरीके से। और देखिए बीच में जो हल्का सा जगह खाली है, इसको हम हल्की हल्की से प्लेट्स को खिसका लेंगे तो एक अच्छे से गैदर्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि कुछ लाइक गाउन होते हैं ना गैदरिंग वाले, उस टाइप का हम उस टाइप से साड़ी वेयर करेंगे। तो उस तरीके से देखिए आपस में मिलाकर एक और जो गैदर्स क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से। और फिर हम सीधे नॉर्मल जैसे पल्ला लेते हैं इस तरीके से, आपको वैसे ही लाना है। और बस ऊपर मतलब शोल्डर पे ना ले जाकर, बल्कि हमें वेस्ट पे ही एक अराउंड देना है इस तरीके से। ले जाकर आप पीछे टक करके और अंदर से पिनअप कर लीजिए। बाहर से पिन करने पर वो शो होगा। मेंशन कीजिए कि आप टकिंग जितनी भी करें और जो पिनअप वगैरह करें वो अंदर की साइड से ही करें, क्योंकि आपको बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देगा। और बस इस तरीके से लूज करके आप थोड़ा पल्ला रखिए कुछ इस तरीके से, देखिए। और ये कितनी जल्दी हमारी साड़ी ड्रेपिंग हो गई है। बस पल्ले को हमें थोड़ा लूज करके ही डालना है। आप मैंने शायद 4 प्लेट्स डाली हैं, मुझे 3 डालनी चाहिए थी, तो थोड़ा पल्ला और बड़ा हो जाता। और आप देख सकते हैं कि इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। और मैं आपको इसको पूरा लुक दिखाती हूँ। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप अगर इस तरीके की साड़ी, गाउन स्टाइल साड़ी पहनते हैं, तो आप अपने अंदर कुर्ती वगैरह या कोई सूट वगैरह पहनिए, जिससे कि आपका टमी बिल्कुल भी शो ना हो, कुछ ऐसा पहनिए। तो अब आपने हमारा पूरा लुक देखा और आप देख सकते हैं इसकी प्लेट्स थोड़ी गैदरिंग वाली हैं, जो नॉर्मल एक साइड प्लेट्स रहती हैं वैसी नहीं है। इसमें आगे की तरफ से गैदर्स पड़ रहे हैं, जो प्लेट्स होती हैं हमारी उस तरीके की हो रही हैं। और देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का है। और चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम दूसरी तरीके से भी साड़ी वेयर करते हैं। तो देखिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो हमने प्लीट्स डाली थी बस उनको हम थोड़ा सा ऊपर उठाकर, सेंटर पार्ट से थोड़ा सा ऊपर उठाकर अंदर टक कर लेंगे। यस, हमें दोनों साइड से या पूरी प्लेट को नहीं लेना, बस बीच से थोड़ा सा हिस्सा उठाकर आप अंदर टक कर लीजिए। और बस देखिए, जो कुछ धोती स्टाइल में होती है ना, कुछ धोती स्टाइल में ऊंचे नीचे गाउन होते हैं, कुछ उस तरीके का इसमें लुक क्रिएट होगा। और इसको आप सीधे शोल्डर पे ना ले जाकर, अभी जो हमने अराउंड किया था वैसा नहीं करना, हमें थोड़ा मतलब सीधे शोल्डर पे ले जाकर और थोड़ा लूज़ रखना है। यस, आप टाइट बिल्कुल मत रखिए और पल्ला काफ़ी थोड़ा बड़ा रखिए आप। और बस इसको आप दूसरे शोल्डर पर, सबसे पहले हम इसको खींच कर, जैसे हमने लूज़ किया था ना, तो इसको हम खींच कर और अपने साइड से टक कर लेंगे। देखिए इसको भी मैंने अंदर टक किया है, उसके बाद पिनअप कीजिए अंदर की साइड से ही, ईजिली पिनअप हो जाएगा। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस स्टाइल में भी इस साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्लेट थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका पल्ला इस तरीके से पहनेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप प्लेट्स ज़्यादा डालिए अगर इस तरीके से पहनना चाहते हैं। बट हम जो स्टाइल करेंगे उसके लिए आप दूसरे शोल्डर से भी अपना दूसरा पल्ला लाइए और अपने पूरी साड़ी के अंदर डाल दीजिए, उससे टकिंग कर लीजिए अच्छे से। और देखिए जो किनारा है,
इसको हम अपने दोनों जो हमारे किनारे हैं इनको हम अपने शोल्डर पे अच्छे से पिनअप कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से पिनअप कर लीजिए और यहाँ पर भी हम अच्छे से पिनअप करेंगे। मैंने अभी पिनअप इसलिए नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा सा इसे खिसका कर एकदम वी शेप आगे से अच्छा सा लुक देंगे इसमें। और मेंशन कीजिए कि आप जब भी गाउन स्टाइल वगैरह साड़ी ड्रेप करें तो आप अपने अंदर फुल कोई ब्लाउज़ वगैरह ना पहनकर अपना कोई सूट कुर्ती वगैरह पहनिए, जिससे कि हमारा डमी एरिया पूरा हाइड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं हाथ वगैरह चलाकर भी दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है हाथ वगैरह को मूव करने में। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये एकदम परफेक्ट गाउन स्टाइल है, आपको मैं इसका भी पूरा लुक दिखाती हूँ। बहुत जो नॉर्मल साड़ी पहनते पहनते बोर हो जाते हैं तो कुछ यूनिक और कुछ अच्छा पहनना बनता है। तो प्लीज़ आप भी इस स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं। और अगर मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।